સેલવાસ ખાતે પાલિકા દ્વારા ભોરકુન ફળિયા ખાતે આવેલ સ્મશાન ભૂમિનું ડેમોનેશન કરવા ગયેલ ટીમનું ગામ લોકોએ વિરોધ કર્યો. સેલવાસના ભૂરકુણ ફારિયા વિસ્તારમાં દમણગંગા નદી કિનારે આવેલ જૂનું સ્મશાન ભૂમિને તોડવા માટે પાલિકાની ટીમ પહોંચી હતી, જેનો ગામ લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અંદાજિત 40 વર્ષ પહેલાં આ જગ્યા પર પ્રશાસન અને ગામના લોકો મરી ગામના લોકોને નજીકમાં સુવિધા મળી રહે એના માટે દમણગંગા નદી કિનારે સ્મશાનભૂમિ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ સ્મશાનભૂમિનો ઉપયોગ સામરવણની ભરકુણ ફરિયા ટોકરા ખાડા સહિત વિવિધ વિસ્તારના લોકો આનો ઉપયોગ વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે, જેનું કોઈપણ જાતની નોટિસ કે જાણકારી આપ્યા વગર પાલિકાના સીઓ મોહિત મિશ્રાનો આદેશ અનુસાર પાલિકાની ટીમ જેસીબી અને જરૂરી સાધનો લઈ પહોંચી ગઈ હતી, જે જોતા ગામના લોકોનું ટોળું એકત્રિત થઈ ગયું હતું અને આ સ્મશાનભૂમિને તોડવાનું નથી એમ કહી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. લગભગ 2 કલાકની ચકમક બાદ પાલિકાની ટીમ જેસીબી અને ટ્રક લઈને પરત જઈ રહી હતી. ગામના લોકોના જણાવ્યા અનુસાર આ સ્મશાનભૂમિને યોગ્ય રિપેરિંગ માટે પ્રશાસનને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનો યોગ્ય ઉકેલ લાવવાને બદલે આજે અચાનક ગામના લોકોને કોઈપણ જાતની જાણકારી કે નોટિસ આપ્યા વગર ચેઇન તોડવા આવી રહ્યા છે, જેથી અમે તેનો વિરોધ કરીએ છીએ. મુકુલ યાદવ, ZSTV, સેલવાસ. यहाँ सुबह करीब 9:30-10 बजे मुझे विजय भाई का फ़ोन आया कि यहाँ पर कुछ नगर पालिका के साहब और जीसीपी ट्रक लेके आए थे. तो हम आके यहाँ देखा कि क्या हो रहा है, तो बोल रहे कि यहाँ शमशान तोड़ रहा है. तो सुन के इतना बड़ा झटका लगा कि क्यों हम आदिवासियों के ऊपर ही क्यों इतना अत्याचार, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह से देखा जाए तो हम यहाँ हमारा समाज को एकदम साफ कर रही है यहाँ की नगर पालिका सिलवासा की. और देखिए तो स्कूल सबसे पहले इसका ही लेता हूँ क्योंकि शमशान वो चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान और अंत में शमशान आता है. एक दिन शमशान में तो आना ही पड़ता है. हमारे यहाँ कम से कम भुरकुड़ फलिया, खाड़ी फलिया, टोकोर खाड़ा, सामरवनी और आधा मसाट यहाँ अंतिम के लिए आते हैं शमशान के लिए. तो ये हमारा कम से कम बहुत सालों से पुराना शमशान है. तो हमने पूछा कि ये क्यों तोड़ रहे हो, तो कोई साहब आए थे हमको देख के ना, कम से कम हम यहाँ से 20-25 जन इकट्ठा हुए, हमको देख के भाग गए. फिर उनके आदमी बुलाने गए, वो भी नहीं, फिर भी नहीं आए. तो हमारा ये कहना है कि यहाँ क्यों तोड़ रहे हो, यहाँ तो आपको गवर्नमेंट नगर पालिका को बना के देना चाहिए, तो क्यों आप हमारी शमशान साफ कर रहे हो. तो हमने पूछा तो बोलते हैं कि बस कोई दिल्ली से आ रहा है, उनके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है. क्यों हम इतने बुरे हैं, आदिवासी की कुछ भी प्रॉपर्टी इतनी बुरी है, जब हो तो विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसा क्यों आदिवासी साफ करके इसका विकास करना है. हमारे यही एक मांग है कि यहाँ नगर पालिका हो कोई पण हो, वो हमको यहाँ शमशान बना के चाहिए. और हो सके तो आमने सामने बात करें, ऐसे नहीं कि गाड़ी भेजे और सब तोड़ दे. आज हमारे बेरोजगार लड़के इतने हैं, रोड पे लारी गल्ला लगाते उनको भी हटा दे रहे हैं. तो क्यों हम ये शमशान के तोड़ने के लिए सूचना नहीं दी, कुछ सूचना नहीं दी. हम ये नानू भाई है, प्रभु भाई है, हम बरसों से उनकी मांग कर रहे हैं कि हमको शमशान बना के दो. जब प्रभु भाई हमारा यहाँ का सरपंच थे, उन्होंने ये बनवाया और उसके बाद में बहुत कंप्लेन की, फिर भी उन लोगों ने शमशान बना के नहीं दी. हमको यही मांग है कि यहाँ हमारा कम से कम 5-7 हज़ार एक ही गांव की समाज है, मरेंगे तो एक दिन इधर ही आएंगे ना, तो हमको शमशान बना के चाहिए. तो बिना सूचना के अचानक यहाँ तोड़ने आ गए, बस यही सोचने वाली बात है कि हमको ये बताते क्यों नहीं है, आके ना डायरेक्ट जीसीपी हो मशीन हो आके ना तोड़ देते हैं. कोई सूचना नहीं. आपने फिर मना किया? हाँ मना किया. हमने यहाँ जो आए थे जीसीपी मशीन और गाड़ी वाले आए थे और कुछ ये उनका कोई पियोन वगैरह कुछ भी हो, उनको भेजा के जाओ, कोई कौन साहब है उनको बुलाओ, तो बोलता है कि अभी रहने दो.